नौजवानों का जो दस्ता है वो काम करेगा
Yeah.
मोहब्बत, ईमान, कुर्बानी, ये वो कहलाते हैं।
मानते हैं कि जिससे पानी मोहम्मद उमर जाफर साहब जाफर साहब थे और उनका एक मकसद था और उनका मकसद बहुत हद तक कामयाब हो रहा है। यहाँ के लड़के ये नहीं जानते थे कि खुलफायर आदमी क्या है, खुलफायर आदमी के नाम क्या है, इनकी तरतीब क्या है, ये तक हुआ है। और यहाँ तक कि एहसान ज्यादा है कि आज ज्यादातर लोग लड़के अंदरों में नाशानी करते हैं वो जान गए थे। बहुत वाकया ऐसे वाकया जो कभी बयान नहीं किए, क्योंकि नाम की शायरी बहुत आगे बढ़ चुकी है। मदीना 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 नहीं रह गया है, बल्कि बहुत सी मताएं छूट जाते हैं, बहुत सी बातें आती हैं, तो रसूल की जिंदगी में बहुत से मतलब नुमाया है। बता दिया इसलिए मैं आज करना चाहता हूँ कि मुंतशिर होके हम उड़ते रहे दर्रों की तरह, मुंतशिर होके हम उड़ते रहे दर्रों की तरह, मुंतशिर होते तो चट्टान के पत्थर होते, यहाँ पत्थर बने जाए मुंतशिर जाए दर्रों की फैल जाएंगे। एक बात जान लीजिए, समुद्र हो जाता है, समुद्र जो कपड़ा जुटा हो जाता है, सूरज की रोशनी एक दूसर में उनके बच्चों को फना तक हो जाती है। जब तक कपड़ा समुद्र रहता है, समुद्र कहलाता है, अलग हो जाएगा, उसका वजह छूट जाएगा। तो कौम एक समुद्र की तरह है, अपराध अगले की तरह है, अपराध को जाके समुद्र से और कौम का बदला है। कौम के खिलाफ को यह अलग करना, कौम के नए झूठने का जो है उससे अलग होकर सोचना, ये हमारे लिए बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ आए हैं कोई घर का अमल होगी और कोई ऐसी बात होती है जो लोग पढ़ने की बात है बहुत जरूरत होती है थोड़ा बुलाने की तमाम चीज़ें
शब्द में मैं समेटूंगा कि गांव की जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी है। साथ में जो कहा है उसके लिए एक भी हम उन्होंने जिम्मेदारी का एहसास करा है कि हम सब बेदार हो जाए और गांव को आगे जाए। जो कि मगरी का वक्त है, इसके बाद आपके रास्ते का भी प्रोग्राम है। मैं और आज दूंगा साधु चंद्र सचुल इस्लाम साहब को कि आप भी अपने जो हमारे लिए करते हैं उसके बाद शुक्रिया का मौका दें।
अरे चल रहा भाई चल रहा अरे समन्वय हट जाता वो ले ले अब फोटो सब का है जाए यार वीडियो में मुंह बना ले पकड़ा मोबाइल मार ये वाला आ गया फोटो भाई हाँ भैया
इस सिलसिले में थोड़ी सी बात बताइए, क्या कहना था? आइडल था ना भाई, आइडल क्या था क्या नहीं था? आज यहाँ पर हलफ बरदारी थी, शपथ ग्रहण समारोह था, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे मुन्ना भाई? और आप भी इसमें जनाब मुस्तफा साहब की हलफ बरदारी का और उनकी काबीना की हलफ बरदारी का प्रोग्राम रखा हुआ था, पूछिए। आज जो सीरत कमेटी की जो है हलफ बरदारी थी, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ सुनाई जो हम लोगों को पता चला है कि ये 3 साल की कमेटी चुनी जाती थी, लेकिन इस बार जो है 2 लोग बराबरी बराबरी पर आए हैं और ये 2 साल के लिए शायद ये इन्हें जो है आज हलफ दिलाया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, आज से 3 महीना पहले सीरत कमेटी का इलेक्शन हुआ था जिसमें 16-16 वोट बराबर पाके दोनों उम्मीदवारों का जो चुनाव नहीं हो सका था, अब बराबरी हो जाने पर कुछ वजहों से चुनाव न हो पाया और आज फिर जब मीटिंग की गई चुनाव कराने के लिए, उसमें हमारे समाज के कौन के जिम्मेदार लोग, शहर के और शूरा के लोगों ने एक फैसला लिया कि चूँकि वक्त बहुत कम है, ईद मिलादुन्नबी का जुलूस और जलसा बिल्कुल करीब है और इस वक्त अगर चुनाव कराया जाता है तो कहीं ना कहीं से तनाव भी पैदा होगा और वक्त भी इसमें कम रह जाएगा, इसलिए तमाम लोगों ने एक फैसला लिया कि 2-2 साल का कार्यकाल दोनों लोगों को दिया जाए। उसी सिलसिले में आज पहले दिन को मिला है तहसीन मुस्तफ़ा साहब को, उनका आज हलफ बरदारी का प्रोग्राम था जो बारिश के बावजूद बहुत शानदार तरीके से आज पूरा हुआ और इसमें आए हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, तमाम शूरा के लोगों का और तमाम आवाम का जिन्होंने इतनी बारिश में भी इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। तहसीन मुस्तफ़ा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज पहली बार शायद आप जो सदर का चुनाव लड़े थे और इसमें बराबरी हुआ और आपको 2 साल मौका मिलेगा सीरत कमेटी की सदारत करने के लिए, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं तो अपने सीरत कमेटी के जो शूरा मेम्बरान हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जो कि अपने सूझबूझ से या अपने उससे एक अच्छा फैसला लिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद मैं कस्बे के आवाम जो हमारे सब बड़े बुजुर्ग भाई हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह मैं 12 रवैया का कार्यक्रम बहुत शानदार करूँगा जो मैंने वादा करके आया हूँ
मैं वो करूँगा और अपने बड़े से सब राय मशवरा करूँगा, आवाम के शूरा के सबको मिला के चलूँगा, ये मेरा अपनी सोच रही, कोई शिकायत ना होने पाए। आपकी जो है कमेटी में जो है कितने लोगों को जो है आपने अपने कैबिनेट में रखा है? हमारी कमेटी में 30 लोग नायब सदर हैं और करीब 30 लोग जॉइंट सेक्रेटरी है, एक जनरल सेक्रेटरी है, फिरोज अंसारी साहब जनरल सेक्रेटरी है, और हमने अपनी कमेटी में एक नया चीज लाया हूँ जो कि एक लायर इश्ताक अहमद वकील एडवोकेट है, उनको मैं अपने सिर्फ कमेटी के उसमें एक लीगल एडवाइजर कानूनी सलाहकार के लिए रखा हूँ, जो कि हम लोगों के बीच में कोई बात हो तो वकील जो है वो मसला मसाइल को देख के हम लोग आगे पीछे करेंगे, और कभी ऐसा होगा तो हम लोग कुछ पुराने सत्र हैं उनसे भी राय लेंगे। इश्ताक भाई में कल्लू भाई हैं, हमारे परिवार ही के लोग हैं, संतुल भाई परिवार के, पप्पू भाई हैं, ये अखिल भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, सभी लोग को मिलकर आएंगे। आप सदर बन गए, आपने शपथ भी ले ली, तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे जुलूस जलसा से पहले? जुलूस जलसा तो देखिए जितना अच्छा होगा उतना मैं कराऊँगा, हमारी कमेटी जो फैसला आप फैसला करेगी आइन के मुताबिक उसको मैं करूँगा, कुछ उसमें मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छा हो, और इंशाल्लाह वो होगा, हट का होगा, नई चीज़ होगी, ये मेरा पूरा भरोसा रहेगा। हमारे साथ जो हमारी कमेटी के लोग हैं, कमेटी के बाहर के लोग हैं, जैसे कि हम नाम लूँगा उसको कोई वो नहीं है, ये हमारे अकील भाई हमारे साथ कल 1,00,000 रुपये हमको इन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से चंदा दूँगा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैंने उनसे यही कहा कि हम चंदा नहीं लेंगे, वो कार्यक्रम में पूरा सही। अकील भाई को कोई जिम्मेदारी दिया आपने? अकील भाई तो सब कुछ जी, जिम्मेदारी क्या दूंगा, जो मैं कहता हूँ कर देते बेचारे, हमारे छोटे हैं। चलिए भाई, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको जो है सदारत मुबारक हो हमारे चैनल की तरफ। थैंक यू। चेयरमैन साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यहाँ के तमाम मजिस्ट्रेट को मुबारकबाद देता हूँ, सरपरस्त कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ, और यहाँ की आवाम उन्होंने अपने सूझबूझ से एक ऐसा फैसला किया जिसमें बस्ती शहर का आपसी भाईचारा मोहब्बत ये कायम रहा, और आज जिस तरीके से ये प्रोग्राम हुआ है ये मुबारकबाद के मुस्तहक है ये पूरे काबीना इनकी सदस्य कमेटी की, और तमाम जो है तो बस्ती शहर के लोग मुबारकबाद के मुस्तहक है कि इस मौसम में भी उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम से कि नौ मुंतखब सदर और उनकी काबीना को बेहतर से बेहतर तरीके से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए मेहनत करें, कोशिश करें, हम लोग उनके साथ खाना बसाना है और इंशाल्लाह रहें। शुक्रिया। साबिक साहब क्या कहना चाहेंगे? साबिक सदर साहब देखिए, आज जो ये कमेटी हमारी, इस कमेटी के जो मैं सदर हूँ, उनकी पूरी काबीना से हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जिस जोश व खरोश के साथ कमेटी के लोग इनके शाना बशाना हैं, और कस्बे के जितने भी लोग हैं इनके साथ शाना बशाना हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जुलूस जलसे में कहीं से कोई कमी नहीं आने पाएगी, और जिस तरीके से भी तहसील मुस्तफ़ा साहब ने, तो हम पूरी उम्मीद इनसे करते हैं, नौजवान हैं और इनको काम करने की इनके अंदर एक सलाहियत है, तो अगर इस काम को अंजाम जिस तरीके से देते हैं तो इससे आने वाली नस्ल भी इनके कार्य को देख करके काम में इनके लग जाएगी और कार्य को अंजाम देगी, और मैं इसके साथ साथ पूरी कमेटी के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ साथ जिन लोगों ने कस्बे के जो मालिक लोग शहर से आए इस हलफबरदारी में हिस्सा लिया उनको अभी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद के लायक हैं कि इस गर्मी में और बारिश के मौसम में कसीर तादाद में लोग आए और मजहब मिल्लत का एक जो रिवायत मछली शहर की बनी हुई है उसको कायम रखे। इसी के साथ मैं फिर एक बार उस कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। अरे भाई कुछ कहेंगे? बोलिए। अरे कुछ बोलिए भाई, नई कमेटी के लिए। चला खत्म। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, जैसा कि आपने लाइव के माध्यम से पूरे कार्यक्रम को देखा, और भी सवाल करते लेकिन भाई ने मुझे फंसा दिया, लेकिन इस वजह से सवाल नहीं हो पाए हम लोगों का।
और पूरा कार्यक्रम लाइव चला अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई। हम पूरा कैबिनेट जो है लिख दिया, तुरंत व्हाट्सअप कर दो, ठीक है।